तो देखो, अगर सच में तुम्हें एक प्रैक्टिकल तरीके से अपना गेमिंग चैनल ग्रो करना है ना, तभी तुम इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, वरना अभी तुम छोड़कर जा सकते हो। अब जैसे कि तुम लोग को पता होगा, मैंने 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने तुम लोग को बताया था हाउ टू ग्रो योर गेमिंग चैनल, तुम लोग कैसे अपना गेमिंग चैनल ग्रो कर सकते हो। उस पर 1 लाख से ज्यादा प्लस व्यूज है अभी, और उसका रेटिंग्स तुम देखकर तो चौंक ही जाओगे। मेरा वैसे टाइप का वीडियो बनाने का और तो मन नहीं था, बट तुम लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में तुम लोग का सारा वेट खत्म होने वाला है। जितना भी तुम लोग वेट किए थे कि तुम लोग का चैनल कैसे ग्रो होगा, तुम लोग को सिर्फ इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस वीडियो में जितनी भी चीज बताई जाएंगी तुम्हें, उसे अपने चैनल पर अप्लाई करना है, तुम्हारा चैनल 101% ग्रो होगा, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें भी अपने सारे सीक्रेट्स बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा चैनल ग्रो हुआ और सारे यूट्यूबर्स कैसे अपना चैनल ग्रो किए हैं। तो बस इस वीडियो को तुम देखने के लिए अच्छे से अपने कान में ईयरफोन लगाकर एक जगह बैठ जाओ, ताकि तुम्हें सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आ पाए कि मैंने इस वीडियो में क्या तुम्हें बताया है और उसे तुम्हें कैसे अप्लाई करना है। और आज की ये वीडियो में मैं तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। तुम इस वीडियो को पूरी एंड तक देख लेते हो ना, तो तुम वो खुद ही कर जाओगे। तो देखो, एक वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इट मींस वॉच टाइम। बस ये समझ लो तुम्हारे वीडियोस का जितना अच्छा CTR होगा और एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा, उतना ही जल्दी तुम्हारा वीडियो वायरल होगा। बट तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि CTR और वॉच टाइम होता क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं, CTR होता है तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट। अगर 100 बंदों को YouTube तुम्हारा वीडियोस का इंप्रेशन भेजा, उसपे से 10 लोग क्लिक किए, तो तुम्हारे वीडियो उसका क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा 10%। और वैसे ही अगर तुमने कोई 10 मिनट का वीडियो बनाया और उसको लोग 7 मिनट तक देख रहे हैं, तो तुम्हारे वीडियोस का एवरेज व्यू ड्यूरेशन हो जाएगा 7 मिनट। तो ये हो गया तुम्हारा वॉच टाइम। तो अभी के लिए तुम इतना जान लो कि तुम्हारे वीडियोस को वायरल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है CTR और वॉच टाइम। तो चलो अब थोड़ा जान लेते हैं कि तुम्हें कैसे अपने चैनल्स का क्लिक थ्रू रेट और वॉच टाइम इंक्रीज करना है और ज्यादा इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें अपने वीडियोस का CTR इंक्रीज करना है, तो इसके लिए तुम्हें थंबनेल्स बिल्कुल तगड़ा बनाना पड़ेगा। अब तगड़े से क्या मतलब है, तुम थंबनेल को ऐसा बनाओ जिससे थोड़ा सा क्लिकबेट हो उसमें, और लोगों को देखने के बाद वो थंबनेल तुम्हारा कैची लगे, इट मींस लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला आगे, तो अपने थंबनेल से ही थोड़ा सा उसमें बता सको और लोग तुम्हारे वीडियोस पे क्लिक करें, तो इससे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आएंगे, तो तुम्हारे चैनल का क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होगा। ये तो बात रही CTR की। अब मैं तुम्हें बता देता हूं तुम्हें अपने वीडियोस का वॉच टाइम कैसे इंक्रीज करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारे वीडियोस पर टिके रहे, ज्यादा देर तक देखते रहे। तो इसके लिए तुम्हें वीडियोस अपने इंगेजिंग बनानी पड़ेगी। तुम वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा चीज कर सकते हो जिससे लोग तुम्हारी वीडियोस को पूरी एंड तक देखें। और मेक श्योर तुम ये याद रखना कि तुम्हें अपने वीडियोस का सबसे अच्छे से इंट्रो शूट करना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है अगर कोई व्यूअर तुम्हारे वीडियोस का 30 से 40 सेकंड्स देख लेता है, तो मेक श्योर वो तुम्हारी वीडियोस आधे से ज्यादा या पूरी देख कर ही जाएगा। तो ये तो बात रही CTR और वॉच टाइम की। बट मैं तुम लोग को बता देता हूँ, अगर तुम लोग कोई अच्छा कॉन्टेंट नहीं चूज करते हो, तो तुम्हारे ये दोनों अगर अच्छा भी है ना, तो फिर भी तुम्हारे वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि सपोज करो अगर तुम कोई ऐसे कंटेंट को चूज कर लेते हो जिसके ऑडियंस ही इतनी ज्यादा नहीं है, तो तुम वीडियोस भी सबसे अच्छा बनाकर क्या करोगे जब उसकी ऑडियंस ही नहीं है। तो तुम्हें हमेशा एक अच्छा कंटेंट को चूज करना है जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज हो और जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिससे तुम उस वीडियोस को अपने लॉन्ग टाइम तक बना सको। तो अगर तुम लोग को एक बेस्ट कंटेंट का वीडियो चाहिए, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं जिसपे तुम लोग वीडियोस बनाकर काफी जल्दी वायरल जा सकते हो। तो अगर तुम लोग का इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आता है, तो मैं जरूर से उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा जिसमें तुम लोग को मैं बताऊंगा तुम लोग सबसे बेस्ट कंटेंट्स को कैसे अपने वीडियोस के लिए यूज कर सकते हो और बहुत जल्दी वायरल जा सकते हो। और मैं पहले भी ये बात बोला था और अभी भी बोलूंगा, अगर तुम लोग अभी
अभी तक गेम प्ले बनाते हो तो तुम लोग कुछ और ट्राई कर सकते हो, हो सकता है तुम लोग कुछ और बेहतर कर पाओ किसी दूसरे फील्ड में, क्योंकि गेम प्ले ही एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम लोग वायरल हो सकते हो। और तुम लोग गेम प्ले ही बनाते हो तो गेम प्ले को ही एक ऐसा बनाया करो कि वो एक स्टोरी की तरह बनाओ, क्योंकि तुम लोग को सबसे स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर एंड पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस को लगे कि ये कितनी अच्छी स्टोरी थी जिससे लोग इंगेज्ड हो पाए और तुम्हारे वीडियोस को एंड तक देखें। तुम लोग टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी इस चैनल पे काफी ओपी ओपी वीडियोस आने वाले हैं। तुम लोग को वीडियो की स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तुम लोग को थंबनेल कैसे बनाना है, तुम लोग एक पूरा होल परफेक्ट वीडियो कैसे बना सकते हो, तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि तुम लोग को भी पता चल सके कि ये कैसे होता है, तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस कैसे परफेक्ट वीडियो बना सकते हो। बेस्ट टिप्स आई यूज्ड, मैं अपने लिए कौन सी ऐसी बेस्ट टिप्स यूज करता हूँ जिससे मेरे वीडियोस पे इतना अच्छा खासा व्यूज आता है और दिन प्रतिदिन चैनल ग्रो हो भी रहा है, तो इसके बारे में तो बात करेंगे बाद में, बट अभी उससे पहले बात कर लेते हैं एसईओ के बारे में। क्योंकि अगर तुम अपने वीडियोस का अच्छे से एसईओ नहीं करते हो तो तुम्हारी वीडियोस वो राइट ऑडियंस तक नहीं जा पाएगी जो उस ऑडियंस जो उस वीडियोस को और उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एसईओ के बारे में, तुम्हें एसईओ करना कैसे है। तो सबसे पहले तुम्हें एसईओ करने से पहले तुम्हें खुद सेलेक्ट करना होगा कि तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। एक बार तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, फिर उस टॉपिक को तुम्हें जाकर यूट्यूब में इनकॉग्निटो मोड ऑन कर उसे सर्च करना है। तो हमेशा तुम्हें इनकॉग्निटो मोड ऑन कर ही सर्च करना है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा यूट्यूब बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है अगर तुम इनकॉग्निटो मोड ऑन कर सर्च करते हो। और लेट सपोज मुझे वीडियो बनाना है फ्री फायर पिंग प्रॉब्लम के ऊपर, तो तुम्हें ये सर्च करना है और जो सबसे पहला कीवर्ड आए उस पे क्लिक करना है और उसके बाद उसे एंटर कर देना है। फिर तुम देखोगे बहुत सारे वीडियोस इस पे बने होंगे, अगर इस पे अच्छे खासे व्यूज है इस टॉपिक के ऊपर तो तुम इस टॉपिक को चूज कर सकते हो। तो चलो इस टॉपिक पे 10,000 व्यूज आया है एक बंदे का 2 दिन पहले, तो मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। मैं वो टॉपिक कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ एक ऐप के अंदर जिसका नाम है vidIQ, इसमें जाके मैं पेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा इसका वॉल्यूम कितना है और कंपटीशन। तो ये आपको ग्रीन दिखेगा तो आप इस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो, इस पे आपके वायरल होने के चांस काफी ज्यादा है। तो अगर आप लोग को इसको डाउनलोड करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग को टैग्स कहां से फाइंड करना है, क्योंकि हमें टाइटल तो मिल गया, वीडियो का टॉपिक भी मिल गया, बट अब बात कर लेते हैं हमें टैग्स कहां से फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम लोग को चले जाना है क्रोम, फिर वहां जाकर सर्च करना है रैपिड टैग्स। रैपिड टैग्स जैसे ही तुम लोग सर्च करोगे सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा वहीं पे तुम लोग को चले जाना है। वो वेबसाइट खुलने के बाद तुम्हें अपने टॉपिक को जाकर वहां सर्च करना है, फिर सर्च करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, फिर तुम्हें काफी सारे टैग्स यहां मिल जाएंगे और ये सारे टैग्स को तुम अपने टैग्स में यूज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी। इस पे यूज करने के बाद तुम लोग का वीडियो का वायरल होने का चांस काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो अगर तुम्हें और ज्यादा बेस्ट टैग्स फाइंड करने हैं तो वापस से तुम्हें यूट्यूब में आ जाना है और YouTube में आने के बाद अपने टॉपिक को सर्च करना है, फिर ये जितने ज्यादा तुम्हें दिख रहे हैं टैग्स ये सारे टैग्स को तुम्हें अपने डिस्क्रिप्शन और टैग्स में यूज करना है। इसको यूज करने के बाद तुम्हारे वीडियोस के वायरल होने के काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं चांसेस। तो ये तो था बेसिक SEO, इसको तुम लोग को यूज करना है तो तुम लोग यूज कर सकते हो, बट अगर तुम लोग को एक एडवांस लेवल का SEO सीखना है तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा। तो अब मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जो कि वीडियो बनाते नहीं है, जो चैनल आज ही बनाया और वो अभी आकर बोल देते हैं भाई मेरे चैनल का प्रमोशन कर दो। भाई तुम लोग किस दुनिया में जी रहे हो यार, अगर तुम लोग के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो तुम्हें पुश करता है आगे काम करने के लिए, तो तुम भूल जाओ कि तुम यूट्यूब पर क्या, तुम कहीं भी ग्रो होगे। और ये बात तो भूल जाओ तुम लोग कि अगर तुम लोग प्रमोशन किसी से करवाते हो या किसी बड़े यूट्यूबर्स ने तुम्हारा प्रमोशन किया तभी तुम जाकर एक बड़े यूट्यूबर बनोगे, तभी तुम जाकर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनोगे। किसी टाइम पर मैं भी सोचता था काश मेरा भी कोई एक बड़ा यूट्यूबर प्रमोशन कर दे, मेरे भी वीडियोस पर व्यूज आने लगे, मेरे भी चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएं। बट ऐसा सोचने के बाद मैंने खुद काम किया और अभी को जाकर मेरा इतने अच्छे से चैनल ग्रो हो रहा है बिना किसी के प्रमोशन के। तुम ऐसा सपोज करो तुम किसी स्कूल में पढ़ते हो या तुम कोई जॉब करते हो और तुम 5-5 मिनट की वीडियोस बनाते हो डेली और तुमने एक अपना शेड्यूल बना लिया कि तुम्हें 365 दिन में 365 वीडियोस अपलोड करनी है, तो उसके बाद तुम 1 साल बाद ऐसा देखोगे
कि तुम्हारे बोलने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुका है, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी थी एक साल पहले। मैं ये बोल रहा हूँ तुम लोग में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम सारे लोग यूट्यूबर बन सकते हो, बहुत बड़े यूट्यूबर बन सकते हो, पर तुम लोग स्टार्ट तो करो किसी चीज़ को, तुम लोग स्टार्ट ही नहीं करते हो और उससे पहले रिजल्ट का सोच लेते हो। अगर तुम लोग रिजल्ट का सोच लोगे ना तो तुम लोग उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जिस तरीके से तुम लोग रिजल्ट के बिना सोचकर काम करोगे, किसी लालच के बिना, और तब तुम लोग देखना तुम लोग का काम कितना अनस्टॉपेबल होगा। और मैं अभी भी बोलूंगा, अगर तुम लोग यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना रहे हो ना तो मेरी बात मानो, तुम लोग वीडियो बनाओ, और तुम लोग को ज्यादा नहीं सिर्फ 5-10 मिनट का वीडियो बनाना है, उसमें तुम्हारा क्या जाएगा। अगर तुम पढ़ाई भी करते हो तो तुम अपने लिए 1 घंटा अलग से निकाल कर वीडियो बना सकते हो, जिसमें कि अगर तुम सक्सेस जाते हो तो सही है, वरना तुम्हारी पढ़ाई तो बगल में चल ही रही है। और थर्ड चीज ये, तुम लोग को अपने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है, यूट्यूब करते हुए तुम लोग को दोनों चीज एक साथ करना है, तुम लोग को कभी भी पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब नहीं करना है। और यूट्यूब काफी टाइम लेता है भाई लोग, तुम लोग में से काफी सारे लोगों को ऐसा पता होगा जो बंदे 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट उनका एक भी वीडियो अभी तक नहीं चला, ना उनका एक भी वीडियो वायरल हुआ। तो उस टाइम में उन लोग सोचते हैं उन लोग को गिव अप कर देना चाहिए, बट यार तुम लोग को उसी टाइम पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि क्या पता हो सकता है तुम्हारी अगली वीडियो ही वायरल हो जाए और तुम यूट्यूब पर सक्सेस भी हो जाओ। क्योंकि एक ऐसा कोट है ना, तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को अगले शाम को सक्सेस मिलने वाली है, बट उन लोग सुबह को ही दम अपना तोड़ देते हैं, इट मींस वो लोग गिव अप कर देते हैं, तो भाई तुम्हें सक्सेस कैसे मिलेगी। तो यही बस कुछ चीज था जिसको तुम लोग को ध्यान में रखना है और कभी गिव अप नहीं करना है। इससे देखना 100% and 110% गारंटी है तुम लोग का चैनल ग्रो होगा, और तुम लोग को इस वीडियो में सारे बताए गए टिप्स को भी फॉलो करना है और अपने चैनल पर अप्लाई भी करना है, तब जाकर तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही देखना चेंजेस देखने को मिल जाएगा अगर तुम इन सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो। तो चलो अब मैं बता देता हूँ मैं ऐसे कौन से टिप्स को यूज़ करता हूँ जिससे मेरा चैनल इतना जल्दी ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे कंटेंट को ढूंढा जिसके ऑडियंस तो काफ़ी ज़्यादा है बट उस पर वीडियोज़ काफ़ी कम बनती है, तो तुम लोग को भी एक ऐसे ही कॉन्टेंट को ढूंढना है। और मैंने हमेशा थंबनेल अपना हाई क्वालिटी में बनाया, उसको और ज़्यादा थंबनेल को कैची बनाया, जिससे मेरे वीडियोज़ का इंप्रेशन भी यूट्यूब और ज़्यादा भेजता है और ज़्यादा लोग इसके साथ इंगेज भी होते हैं। और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ और मैं सीखता ही रहूँगा, और मैं जो जो भी चीज़ सीखूँगा वो मैं तुम लोग को बताऊँगा, ताकि उससे तुम लोग भी अपने चैनल को ग्रो कर पाओ जैसे मैं अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूँ। एंड इस साल तो हम लोग को फाड़ देना है भाई, इस साल हम लोग को 500 के सब्सक्राइबर्स करना है, प्रॉमिस है मेरा तुम लोग से, देखना हम लोग 500 के सब्सक्राइबर्स इस साल तक करके रहेंगे। तो जैसे मैंने कमिटमेंट किया है वैसे तुम्हें भी अपने आप से एक कमिटमेंट करना होगा कि मुझे इस साल तक ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, तभी जाकर तुम उस गोल तक पहुँच पाओगे। तो मेक श्योर तुम लोग ये सब बातों को अपने ध्यान में रखना, इन सब बातों को अगर तुम ध्यान में रखते हो ना तो तुम YouTube पर हो सकता है वायरल हो, चाहे सक्सेस हो चाहे ना हो, बट तुम लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे।